दोस्तों, अगर जो आपके फोन का बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, जैसे कि हम बात करें ना, जो स्मार्टफोन हम चलाते हैं, जो भी एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, मतलब पहले से ही चलता है, बैकअप वगैरह सही देता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जैसे दिन पर दिन हम यूज करते हैं ना, तो बैटरी का जो है परफॉर्मेंस हमें कम नजर आता है और फोन का परफॉर्मेंस भी जो है डाउन हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे फोन का बैटरी बैकअप भी बढ़ाएं और साथ ही साथ फोन का परफॉर्मेंस भी कैसे आप बढ़ा सकते हो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाते रहता हूं। और इस वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि ज्यादा लोग जान पाए और वो भी अपने फोन का जो है बैटरी परफॉर्मेंस साथ ही साथ सब कुछ जो है बढ़ा पाएंगे। और वीडियो के नीचे कमेंट कर दें यूजफुल ट्रिक या तो नाइस ट्रिक जरूर कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना, तो हम फोन के बैटरी सेविंग में बात करें तो फोन में आपको जो है सभी फोन में एक सेटिंग मिल जाता है, जिसमें कि आप सेटिंग में जाने के बाद आपको मिल जाएगा डिवाइस, सैमसंग फोन में डिवाइस परफॉर्मेंस मिलता है। ऐसे ही ये रियलमी का फोन है तो यहाँ पर आपको बैटरी मिलता है लिखा हुआ। तो इसके अंदर जब आप जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा सेव पावर। सेव पावर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी जो है आपका कुछ बैटरी वगैरह सेव करता है। और यहाँ पर देखिए आपको मिलता है सुपर स्मार्ट पावर सेवर मोड, तो इसे जब आप ऑन करते हो तो यहाँ भी आपका बैटरी काफ़ी ज़्यादा मैनेज होता है, तो इसलिए आपको इसे ऑन करके रखना चाहिए। और देखिए यहाँ पर है सुपर हाई पावर एफिशिएंसी, इस पे जब आप ऑन कर देते हो तो यहाँ भी आपको एक्सट्रीम पावर बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो ये भी आप ऑन करके रख सकते हो। लेकिन मैं उसे हमेशा ऑन नहीं रखता हूँ, आपको भी उसे हमेशा नहीं ऑन रखना चाहिए। स्मार्ट पावर सेवर, आप इसे हमेशा चालू करके रख सकते हो। और यहाँ पे हम बात करें दूसरे सेटिंग की, तो वो हमें मिलता है परफॉर्मेंस मोड। तो ये देखिए दोस्तों, एमआई के फ़ोन में, मतलब रेडमी होता है फ़ोन, उसके फ़ोन में, सब फ़ोन में आपको मिलता है ये, तो आपको जो है रखना है बैलेंस मोड में। बैलेंस मोड को रखने हमेशा ऑन रखना चाहिए आप सबको, तो इससे आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव होता है और परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। और दोस्तों, यहाँ पे अगले सेटिंग की बात करें तो वो हमारा आ जाता है डेवलपर ऑप्शन। तो दोस्तों, इससे डेवलपर ऑप्शन के अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे सेटिंग है, तो इसमें आपको क्या सेटिंग ऑन करना चाहिए ताकि बैटरी भी बचे और बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा मिले, तो वो दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, डोंट कीप एक्टिविटीज़ वगैरह, तो इसे आपको ऑन करके रखना चाहिए क्योंकि इससे जो बैटरी काफ़ी ज़्यादा बचता है। और दोस्तों, यहीं पे आपको मिलता है एक ऑप्शन बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो इसे जब आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आपका बैटरी जो है वो भी डबल हो जाता है। देखिए, इसमें बात ये होता है कि हम अपने फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन रखते हैं ना, 100, 150, तो वो सब जो है बैकग्राउंड में रन करता है, लेकिन यहाँ पर जब हम ऑन कर देते हैं ना बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट 2, तो हमें काफ़ी अच्छा बैकअप मिलता है। तो इसलिए आपको परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके रखना चाहिए, और उसके बाद जो आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। और रिसेंट ऐप में जितना ऐप आप यूज़ करते हो ज़्यादातर उसी को ऑन रखें, नहीं तो सबको क्लोज करके रखें। व्हाट्सएप चलाते हो हमेशा तो व्हाट्सएप को हमेशा यहीं पर रखना चाहिए रिसेंट मोड में, अदरवाइज आपको उसे रिमूव कर देना चाहिए। तो इससे जो है छोटी छोटी सेटिंग को आप मैनेज करके फोन के परफॉर्मेंस को आप नए तरीके से आप बना सकते हो जैसा आपका पहले था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और आपका जो है फोन का जो है परफॉर्मेंस वो जरूर 100% बढ़ेगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि ज़्यादा लोग जो है जान पाए इस बारे में। वीडियो के नीचे कमेंट कर दें नाइस ट्रिक या बेस्ट ट्रिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।